आज हम जिस कहानी की बात करेंगे वो है गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी। अगर आप अपनी लाइफ में इसे फॉलो करते हो तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आज आप इस वीडियो में यह जानोगे कि समय को कैसे बचाया जाए, समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे पास समय सीमित है। एक बार समय चला गया तो वापस दोबारा नहीं आएगा, इसलिए आप सभी अपने समय को बर्बाद ना करें। आपका शरीर जब तक स्वस्थ है जब तक सही काम करते रहिए, वरना बाद में फिर पछताओगे कि हमारा लाइफ ही क्या बचा है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि मैं आप सभी को अच्छे से एक्सप्रेशन कर सकूं और इस वीडियो के माध्यम से कुछ सिखा पाऊं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक ब्रिज के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे। उस ब्रिज की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में से कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध की प्रवचनों को समझ सके। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरण पर था और चारों तरफ से धूप ही धूप थी, लेकिन उस ब्रिज के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस ब्रिज के पास से ही गुजर रहा था। वह बिच्छू उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से हंसने लगा। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था जिसका सहारा लेकर बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुँचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षु को हंसते हुए देख बुद्ध उससे कहता है कि मेरे प्रिय भिक्षु, कृपया मत हंसो, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है जो आज तक मैं तुम्हें सिखा नहीं पाया। वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है, इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार ना करो। बुद्ध की ये बात सुनकर वह बिच्छू बुद्ध से कहता है कि मुझे क्षमा करे बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जो बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है वो मुझे भला क्या सिखा सकता। फिर बुद्ध बिच्छू से कहता है कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारे ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे तुम्हारे हाथ पैर आँख कान और ये सभी चीज़ें सही से काम कर रही है। क्या यह छोटी बात है और क्या तुम्हें ये मामूली बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदल दिया था और इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वह बिच्छू बुद्ध से कहता है कि क्षमा करे बुद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उस देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने शरीर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना कभी नहीं करोगे।
जिसके तुम इस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस गए। तुमने सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो जाकर भी अपने आंखों से आंसुओं को नहीं रोक पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुन वो बिच्छू बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वह अपने स्वस्थ का शरीर का उपयोग करे और अहंकार को बढ़ाने में नहीं बल्कि परम सत्य को पाने में। दोस्तों, इस कहानी से आपको यह सीख लेनी चाहिए कि आपकी समस्या में हो या आप किसी समस्या में नहीं हो, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा याद रखना कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हो। दोस्तों, इसलिए बुद्ध ने कहा कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है, इसलिए इसका उपयोग सही से करें। इसी तरह के नॉलेजेबल और वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि मैं आने वाले जो भी वीडियोस अपलोड करूं वो आप सभी तक पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।